नमस्कार अंबरीदनो, आप देख रहे हैं बीएचयू पार्सल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली हम लोग आज कट ऑफ जानने की कोशिश करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीकॉम कोर्स का। ठीक है, मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा अभी इसके बारे में। थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं कि इस बार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो रिजल्ट है वो पहले आ गया और बीएचयू का बाद में आ रहा है, तो क्या डिफरेंस अभी आने वाला है स्टूडेंट लाइफ में जो बच्चे इस बार पेपर दिए हुए। सबसे पहले तो कट ऑफ पे कहीं ना कहीं दिखेगा, जोर दिखेगा, और वो यही है कि इलाहाबाद पहले अपना कट ऑफ रिलीज पहला रिजल्ट डिक्लेयर किया है, तो कहीं ना कहीं इसके जो कट ऑफ है वो जो भी आएगा वो फुलफिल होगा। कहने का मतलब ये है कि जो सेकेंड थर्ड फोर्थ कट ऑफ में जो मार्क्स का वेरिएशन दिखता था उसमें नहीं दिखेगा उतना वेरिएशन। जो भी इनका पहला कट ऑफ आएगा उसमें बच्चा पूरी कोशिश करेगा कि वो बच्चा आके इसमें दाखिला ले ले, क्योंकि बच्चों के मन में अभी ये बहुत ज्यादा मन में बैठ चुका है कि बस जल्दी से किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है उन्हें। तो ये एक चीज कहीं ना कहीं कट ऑफ को क्या करेगा, इफेक्ट डालेगा। और दूसरी बात ये है कि बीएचयू पे भी फिर इसका इफेक्ट पड़ना है। वैसे इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है बच्चों के मन में कुछ ऐसा आ जाए कि हम बीएचयू के लिए इंतजार कर लेते हैं। देखो, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, आपका एम और आपका एजुकेशन, आपका ट्रांसपोर्ट, आपका रहन सहन यदि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए प्रेफरेबल है देन यू शुड गो विथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। अदरवाइज आप इंतजार करो बीएचयू का रिजल्ट का। बीएचयू का आंसर की आया हुआ था, बाकी बहुत सारे यूट्यूब चैनल मेरे यहां भी आपके आंसर की गए हुए थे, आपने उसको देखा ही होगा, तो आप कहीं ना कहीं ये तो जज कर ही पा रहे होगे ना कि आप बीएचयू के कट ऑफ में एंट्री ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। बीएचयू के कट ऑफ में एंट्री नहीं ले रहे हो तो फिर फाइनली आप जाओ इलाहाबाद में अपना एडमिशन ले लो। अगर यहां पे हो रहा है तो आपको लग रहा है नहीं बीएचयू में बहुत अच्छा मार्क्स है आपका हो जाएगा, फिर आप क्या करो, फिर आप इंतजार करो। समझ में आ रहा है? और इसके बावजूद अगर आपको प्रॉब्लम है फिर भी आप कंफ्यूज हो, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, आप शाम में 8 से 9 के बीच में कॉल करिएगा। ठीक है, जो भी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड डिस्कशन होगा 2 मिनट का अपना क्वेश्चन रेडी रखिएगा, 8 से 9 के बीच में आप कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे कट ऑफ जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का वो है बीकॉम कोर्स का जनरल जो है वो 180 पे होने के चांसेस हैं, मतलब सियोरिटी है, पहला कट ऑफ बता रहा हूं मैं, और 200 पे आप आराम से मिठाई खा भी सकते हो, खिला भी सकते हो, मतलब फाइनल सिलेक्शन। ओबीसी की बात करें तो वही 180 के आसपास ओबीसी भी रहेगा, बहुत कम होगा तो 175 मान लो। ठीक है, एसटी की बात करें तो 150 160 के आसपास और एसटी 140, ये पहला कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट कट ऑफ जिसपे एकदम श्योर सिलेक्शन है, जैसा मैं आपको शुरू में बताया कि सेकंड थर्ड और फोर्थ कट ऑफ इस बार बहुत ज्यादा वैरी नहीं करेगा, हो सकता है कि एक एक दो दो नंबर ही बस वैरी करे, 4-5 से ज्यादा वैरी करने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि हर बच्चा ज्यादा चाहता है जल्दी से एडमिशन ले ले कहीं ना कहीं। तो ऐसे में सेकंड कट ऑफ में आप 20-20 मार्क्स कम कर देना और वो भी बहुत ज्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, तो फाइनल सिलेक्शन इस कट ऑफ पे बच्चों को होने के पूरी उम्मीद है। जैसे ऑफिशियल कट ऑफ आएंगे राउंड 2 राउंड 3 चलेगा मैं आपको बताता रहूंगा, सो चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक्स करिए वीडियो को, शेयर जरूर करिएगा। बीएचयू पाठशाला पे कंटिन्यूअस अपडेट्स आपको मिल रहा होगा, काउंसलिंग में पूरा आपका हेल्प किया जाएगा, न्यू कोर्स लॉन्च हो चुका है 2022 के लिए, आप उसके लिए डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, एनी टाइम कॉल या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हो, डेमो मिल जाएगा, बीएचयू पाठशाला एक ऐप है उस पर आपकी क्लासेस मिलती है। ठीक है, मुस्कुराना बिल्कुल ना भूलें, बाय बाय।